जी बेटा जी, अगली टॉपिक है, जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, दैट इज हेंडरसन इक्वेशन टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ, ठीक है, टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। हमें कैसे पता चलेगा कि बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या है? ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेंडरसन, उसने ये मेथड डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था, जिसके तरीके से हम लोग पीएच, बफर सॉल्यूशन का पीएच मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बफर सॉल्यूशन कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बफर सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप का होता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि एसिडिक बफर भी हो सकता है, एसिडिक बफर भी होता है, एसिडिक बफर, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, यानी बेसिक बफर होता है। तो ये भी याद रखना कि एसिडिक बफर भी अलहदा है और बफर की जो दूसरी टाइप है वो क्या है बेटा, एक एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर होता है। अब दोनों में फर्क क्या है बेटा, दोनों में फर्क ये होता है, जो एसिडिक बफर है, ठीक है, उसका जो फार्मूला होगा वो हम डिस्क्राइब करेंगे और जो बेसिक होगा उसका भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो हमें दोनों में पता होना चाहिए। मतलब मैं अगर आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि जो बेसिक एसिडिक बफर है ना, उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, वो आएगा पीएच आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, देखो पीएच, ठीक है, पी एच इज इक्वल टू, ठीक है, पी के ए, यानी वैल्यू जो आएगी क्या है, पी के ए प्लस, ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आएगी, प्लस लॉग। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, हम इसको क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हमने लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट की बेटा करनी है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की करनी है, ये इक्वेशन आपने डिराइव करनी है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, एक बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, हाँ चला गया बॉक्स 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 बॉक्स। ठीक है, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर ले। ये एसिडिक बफर की इक्वेशन है। दूसरी जो इक्वेशन है, ठीक है बेटा, वो हमारे पास क्या है, वो है बेसिक की। तो उसको समझने के लिए हमने क्या, वो इसकी इक्वेशन क्या होगी, पीएच की जगह पे क्या होगा, पीओएच हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पी के ए है तो यहाँ पी के बी होगा, क्योंकि ये ए स्टैंड फॉर एसिड, बी स्टैंड फॉर बेस, ठीक है, प्लस लॉग लॉग, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऊपर जो है ना ये साल्ट की है, ठीक है बेटा, और नीचे कंसंट्रेशन किसकी है, बेस की है। ये इक्वेशन भी आपको मैं अभी बता दूंगा कि ये कैसे आई और ये कैसे, दोनों में आप थोड़ा फर्क देख ले बेटा, याद रखना, ठीक है, दोनों में फर्क देख ले ताकि आपको पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इक्वेशन इज फॉर एसिडिक बफर, दिस इक्वेशन इज फॉर बेसिक बफर, और यही हमें बताता है, पीएच बताता है, दिस इक्वेशन शोज द, यानी हमें ये बताता है, असल में ये टॉपिक जो है ना ये ऐसा है कि हेंडरसन इक्वेशन हमें ये बताता है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास या तो पहले तो हमें बफर सॉल्यूशन चाहिए, बफर सॉल्यूशन का अब हमारे पास तो दो तरह के हो सकते हैं, वन एक एसिडिक होगा, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक होगा एसिडिक, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ एसिडिक, ये एक एसिडिक है बेटा, ठीक है, और एक आपके पास कौन सा है, बेसिक है। एसिडिक के लिए ये फार्मूला है और बेसिक के लिए ये फार्मूला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, चले क्या क्या बातें हमने डिस्कस कर ली, कि हेंडरसन एक साइंटिस्ट था, उसने
बफर सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए एक इक्वेशन डिराइव की थी, वो इक्वेशन कौन सी है, एक ये है और एक ये है। इसको मालूम करने के लिए ये इक्वेशन एसिडिक बफर के लिए है और ये वाली है। अब हमने ये मालूम करनी है, ये वाला खुद ही हो जाएगा बाद में, ठीक है बेटा। तो हमने दोनों वन बाय वन करनी है। सबसे पहले तो हम एसिडिक बफर की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो एसिडिक बफर पर आते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले एसिडिक बफर, ठीक है, लिख देते हैं। फॉर एसिडिक बफर, एक मैं करूंगा और एक आप लोग खुद करेंगे। फॉर एसिडिक बफर के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी वीक एसिड ले लेते हैं ना, ठीक है। कोई भी वीक एसिड, जैसे एच ए है, ये वीक एसिड है, ठीक है बेटा। दिस इज वीक एसिड, ठीक है। या उसका साल्ट ले लेते हैं, जैसे एन ए सोडियम है, उसका साल्ट ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो एन ए ये क्या बेटा, साल्ट। ये इसका क्या है, साल्ट है, वीक एसिड का साल्ट है, विद स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखना, विद स्ट्रॉन्ग बेस। हमने कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई वीक एसिड जैसे ये वाला ले लें, ठीक है। कोई भी साल्ट उसके स्ट्रॉन्ग बेस से, मतलब ये वाला ले लें, ठीक है। अब हम इसलिए रिएक्शन हमने इसका करना है, ठीक है बेटा। तो रिएक्शन कैसे करेंगे बेटा, देखिए जरा। सबसे पहले जब आपने क्या लिया है, जो इसका एसिड का जो रिएक्शन होगा ना, आपको पता है जब एच ए कोई भी एसिड है, ये डिसोसिएट होता है पानी के अंदर, ठीक है। तो एच पे आ जाएगा प्लस और ए पे आ जाएगा नेगेटिव, यही आएगा ना, यही आएगा ना। अच्छा, तो इसके लिए के ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसके लिए अगर हम ये कहें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ए, द के ए वैल्यू इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस इक्वेशन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन, प्रोडक्ट इज रिटन ऑन द टॉप ऐसे, ठीक है। Concentration of A negative there divided by concentration of reactant like this. Okay, we are going to discuss. Take these two. तो ये तो हमें पता चल गया, इसकी concentration के A की value हमने मालूम करनी है। तो we can say कि इसको हम equation number one कहते हैं। This is equation number one को कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे बेटा, देखिए, अगर हम हाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको इसके सामने लिखते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, के ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए। अगर हमने ये एच आइन मालूम करना है, तो इसको हम इस साइड पर ले आते हैं। अगर इसको हम इस साइड पर एच को ले आना बेटा, ये एच इस साइड पे ले है, तो एच आइंस की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होकर जाएगी, इधर आ जाएगा और ये उस साइड पे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, के ए, ठीक है, ये उस साइड पर चला जाएगा, ठीक है बेटा, के ए, और ये इसके, ये जो कोई दोनों आपस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो के ए एच ए के साथ हो जाएगा। आपको ये मैथ ज्यादा बेहतर समझ जाएगा। और ये जो ए माइनस है, ये इसके बैक में यानी डिनोमिनेटर में आए, ठीक है। यानी क्रॉस, असल में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा और ये इसके नीचे हो जाएगा। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ, इसको हम इक्वेशन नंबर टू कहेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है बेटा। ये बात समझ आ गई है, हमने एक वीक एसिड लिया, उसको हमने डिसोसिएट किया प्रोडक्ट, और फिर ये वैल्यू के ए की मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखिए बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट की नीचे लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट नहीं है, फिर इसकी जगह पे मैंने के ए को ऐसे लिख दिया, के को अगर हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो इसको इधर ले आओ और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये कहते हैं, ये तो हमने बना दिया इक्वेशन नंबर टू, इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हम दोनों का लॉग लेंगे, हम कहेंगे टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड, पूरी कर लेंगे इस साइड का और इस साइड का लेंगे लॉग, तो कहेंगे हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, taking log on both side, दोनों साइड से इस इक्वेशन के, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू का हम दोनों साइड से क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो इसके साथ जब लॉग लेंगे, तो बेटा लॉग
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ठीक है, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, लॉग के ए की कंसंट्रेशन एच ए वाली की डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव, ऐसे ही है ना बेटा, ये हमने ले लिया लॉग। या हम ये भी कर सकते हैं कि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा ना तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाता है, ये भी आपको पता है ना, जो देखो ये माइनस आएगा और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये प्लस हो जाएगा। लॉग की कुछ रूल्स हैं वो आपको पता है, मैं उसको थोड़ा सा इसी को ऐसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लॉग की, लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, हम लॉग ये के इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये लॉग इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो मैं ये कहूंगा कि लॉग, अब हम क्या करेंगे, लॉग दोनों के साथ है तो हम लॉग ऊपर की कंसंट्रेशन एच ए ऐसे ही रहने देंगे बेटा, और नीचे के साथ ए नेगेटिव ऐसे रहेगा, यानी ये लॉग इसके साथ भी है बेटा और इसके साथ भी है, ठीक है बेटा, तो हमने अलग 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 कर लिया, ठीक है। अब अगर आप और भी इसको करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, बाय नेगेटिव साइन, बाय नेगेटिव साइन थ्रू आउट, थ्रू आउट हम क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा, तो आप देखें इस इक्वेशन को नेगेटिव से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए बेटा नेगेटिव, इस इक्वेशन को नेगेटिव से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आई ना आ जाएगा, यानी ये माइनस मैंने इसके साथ भी लगाना है इधर भी लगाना है, तो इज इक्वल टू, इसके साथ जब माइनस लगाएंगे तो माइनस लॉग के ए, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये जो है ना ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो लॉग लॉग ये भी माइनस हो गया, लॉग एच ए की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है, ये भी हमारा, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, ठीक है, कि जहां पर ये है ये वर्ड, इसकी जगह पे हमें पता है ये किसी चीज के डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं डेफिनेशन भी एक प्रकार की, पीएच, पीएच को भी कहते हैं ना, पीएच की तारीफ क्या होती है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पीएच कहते हैं, और नेगेटिव लॉगरिथम पी के, इसको हमने क्या कहा, पी के ए कह दिया, इन सब को मैंने क्या कह दिया बेटा, पी के ए, ये क्या गया, पी के ए, ठीक है, बाकी ऐसा ही लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी को हम नहीं चेह रहे फिलहाल, ठीक है, एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस, ठीक है। अब इसी को देखते हैं बेटा, ये तो यहां तक हो गया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे हम, इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये कह सकते हैं ना कि इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या कहते हैं, कि जो ए माइनस है, आपको पता है ना इस इक्वेशन के अंदर जो ए माइनस है, ये वाला, ये ए माइनस है, ठीक है, ये साल्ट से आया है, प्रोडक्ट ऑफ साल्ट है बेटा, ये प्रोडक्ट ऑफ साल्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ साल्ट है, तो इसको हम, इसको हम इसकी जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट लिख सकते हैं ऐसे, जब हम इस इक्वेशन में इसकी जगह पर ये साल्ट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ साल्ट से आया है ना, तो हम इसको इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम पीएच लिख के पी के ए इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस लॉग, अब देखिए ये मेरे पास ये है, ठीक है, तो ये साल्ट से आया है, ठीक है, जब ये साल्ट से आया है तो ऊपर वाला तो वैसे भी एसिड है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एसिड से आया है, एच वीक एसिड होता है, और ये ए माइनस जो है ना ये साल्ट से आया है, तो मैं इसको साल्ट लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। अब हमने क्या करना, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया, हम चाहते हैं ना कि साल्ट ऊपर आ जाए और एसिड नीचे, उसको रिवर्स कर लेते हैं ना, ये माइनस का साइन खत्म करने के लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस, तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, लॉग ऊपर आ जाएगा साल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन,
ये इक्वेशन आपके पास आ गई है फोर, इसको भी फोर कह देता हूँ, ये इसको बल्कि इसको कुछ भी नहीं, इसको इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है बेटा। तो असल इक्वेशन तो एक्सक्यूज मी फोर सर, की, जी बेटा सर इसकी डेरिवेशन बुक में लिखी हुई? जी बेटा, हैंडरसन इक्वेशन है ना आपके बुक में है, जब आप जहां पे बफर एक्शन है उसके बाद है, अगर नहीं भी हो कोई बात नहीं है, आपने इसकी डिराइव थोड़ा सा करना है। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं हैंडरसन इक्वेशन, ठीक है बेटा। ये जो आपको टॉपिक नजर आ रहा है ना, इस इक्वेशन को, दिस रिलेशन, मैं लिख देता हूँ, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड, इस रिलेशनशिप को मैंने क्या कह दिया, हैंडरसन इक्वेशन, हैंडरसन इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आती है, ठीक है बेटा, हैंडरसन इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हमें बेसिक बफर का बनाना, ये तो एसिडिक बफर है, तो बेसिक बफर का क्या होगा बेटा, बेसिक बफर का क्या होगा बेटा, देखिए जरा, बेसिक बफर के लिए, ये एसिडिक बफर के लिए, तो फॉर बेसिक बफर क्या होगा, इक्वेशन यही होगी, हमने थोड़ा सा इसको चेंज करना है, पीएच की जगह पे पीओएच कर देंगे बेटा, पी के ए की जगह पे हम पी के बी कर लेंगे, लॉग ऊपर साल्ट ही आएगा जैसे पिछली इक्वेशन में आया है, और नीचे हमने क्या लिखना है, बेस, बेस, और आपने ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई है, दोनों को कंपेयर करना है आपने, देखिए बेटा दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे ना, देखें इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मैं थोड़ा सा एरो यूज कर लेता हूँ या बॉक्स इस्तेमाल कर लेता हूँ, देखिए बेटा, बेटा ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इक्वेशन नंबर 4 एसिडिक बफर है, और इक्वेशन नंबर 5 आपके पास बेसिक है, फर्क कहाँ पर आ रहा है, मैं उसको इन सर्कल कर देता हूँ, देखिए जरा कि यहाँ पे फर्क है, ये एक तो ये फर्क है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे क्या है, बेस है, तो एसिड के लिए यहाँ पे एसिडिक होता है और बेस की बेस है, दूसरा यहाँ पी के ए है, यहाँ पी के बी है, ए स्टैंड फॉर एसिड, बी फॉर, यहाँ पी एच है, यहाँ पी ओ है, ये फर्क आपने देखना है, ठीक है, इसको हेंडरसन इक्वेशन करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है आखिरी, थोड़ा सा 2 मिनट का क्वेश्चन टॉपिक है, उसको भी कर लेते हैं, कि पीएच की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑफ, कि व्हाट आर द फैक्टर्स, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, इन व्हाट आर द फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे पीएच डिपेंड करती है, व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डिपेंड्स, दैट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डिपेंड, बफर सॉल्यूशन किन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट फैक्टर दैट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डिपेंड, तो बेटा आपने सिर्फ इसका इजी सा आंसर लिखना है, टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा, नंबर वन आपके पास क्या है, मैं बता देता हूँ, नंबर वन आपके पास क्या है, पी के ए ऑफ एसेट, ठीक है, ऑफ एसेट, एसेट की पी के ए पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो है वो आपके पास क्या है बेटा, वो कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ साल्ट एंड एसेट, कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ साल्ट एंड एसेट, साल्ट और एसिड के बारे में, इस तरह अगर पीओएच ऑफ बफर किस पे डिपेंड करता है, तो पी के बी ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ साल्ट एंड बेस पे डिपेंड करता है, बस ये छोटा सा था, ठीक है। तो बेटा ये आज हमारा टॉपिक था, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले क्या क्या हमने पढ़ा आज, ठीक है बेटा, ये तो खैर इक्वेशन की डेरिवेशन है, ये सारी हमने पढ़ ली है, ये आज हमने टॉपिक कहाँ से स्टार्ट किया था, शायद यहाँ से स्टार्ट किया था, एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन से स्टार्ट किया था, ये हमने एप्लीकेशन 5 पढ़ ली, ठीक है बेटा, इस एप्लीकेशन को हमने डिस्कस करते करते ये सारा 5 पढ़ने के बाद बफर एक्शन क्या होता है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, फिर व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ बफर, ये हमने स्ट्रॉन्ग वीक एसेट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसेट के साथ, इस तरह उसकी फिर एक्सप्लेनेशन हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू कर दिए, ठीक है बेटा, फिर हैंडरसन इक्वेशन जो कि ये इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग होता है
बेस कब होता है, ये बफर सॉल्यूशन के लिए, एसिडिक बफर के लिए क्या होता है, बेसिक बफर, ये दो एक डेरिवेशन है हमने डिराइव किया कैसे, इसको हमने सारा डिराइव कर दिया, आप इसको चेक कर लीजिए डिटेल में। ठीक, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ये तमाम वीडियोस मौजूद है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।